हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 13.2 क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल डीएबी इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कंप्यूट एंगल सीडीबी एंड एंगल एडीबी। तो बच्चों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या आपको गिवन है। ओके, यहां पर बोला गया है एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम और एंगल आपको गिवन है डीएबी 75 डिग्री। ओके, एंगल डी ए बी ये आपका 75 डिग्री है। इसके बाद देखिए एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी ये आपका एंगल है 60 डिग्री। अब इसके बाद आपको फाइंड करना है एंगल सी डी बी। देखिए ये वाला एंगल आपसे पूछा है। इसके बाद एंगल ए डी बी, तो ये एंगल भी आपसे पूछा है। तो ये दो एंगल आपको फाइंड करने हैं, फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे एंगल टू। एंगल टू फाइंड करने के लिए आपको जो कंसेप्ट यूज करना है वो बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखिए एडी जो लाइन है आपकी ये पैरेलल होगी बीसी के, है ना। क्यों? क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम है और आपकी जो बीडी लाइन है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में क्या बनती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, अब जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल टू के। कैसे होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर ये फॉर्म करेंगे। आगे बात समझ में? दैट मीन्स ये भी आपका एंगल 60 डिग्री होगा। कितना आसान था, पैरेललोग्राम आपको गिवन है। ओके, आपने यहाँ पर कह दिया कि आपका दोनों लाइन पैरेलल है और बी डी आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और अगर आपको एक एंगल भी आपको गिवन है तो दूसरा एंगल आप यहां पर बता सकते हैं। तो इसी बात को हम यहां पर लिख लेते हैं, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों होगा? आप यहां पर लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए डी इज पैरेलल बी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। ओके, कितना सिंपल था। तो बच्चों इसके बाद आप फाइंड करेंगे एंगल वन। एंगल वन का क्या मतलब है? एंगल सी डी बी। ओके, ये आपका एंगल वन है और एंगल टू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखिए यहां पर 60 डिग्री। अब एंगल वन फाइंड कर लेते हैं। एंगल वन के लिए आपको एक दूसरा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा जो कि पैरेललोग्राम का ही रूल है। देखिए एंगल ए का वैल्यू आपको गिवन है 75 डिग्री और आप जानते हैं पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। दैट मीन्स 75 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो ये भी आपका 75 डिग्री होगा। ओके, अब देखिए इससे होगा क्या, आपको निकालना है एंगल वन, यानी कि एंगल वन का मतलब एंगल सी डी बी। तो ये बनता है आपका एक ट्रायंगल, ठीक है, बी सी डी, ये आपका बन गया एक ट्रायंगल, है ना। अब ट्रायंगल में आप यूज करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे यूज करेंगे? देखिए आप तीनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, दो एंगल्स का वैल्यू आपको मालूम है, तीसरे एंगल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। कितना आसान था, चलिए यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं। आप यहां पर लिखेंगे इंट्रेंगल बी डी सी। ओके, आप यहां पर लिख सकते हैं बी सी डी या फिर बी डी सी। इसके बाद आप तीनों एंगल्स को ऐड कर दोगे, एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल
सी डी बी। अब तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर आपने यूज किया है एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद सीबीडी का वैल्यू देखिए, सी बी डी, दैट मीन्स आप यहां पर रखेंगे 60 डिग्री प्लस एंगल सी का वैल्यू भी आपने निकाल लिया है 75 डिग्री। अब एंगल सी डी बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो यहां से आप निकाल लेंगे एंगल सी डी बी। ओके, तो एंगल सी डी बी का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 180 माइनस ये होगा आपका 135 डिग्री। ओके, माइनस कर देंगे। ओके, यहां पर ले आएंगे, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो एंगल ए का वैल्यू कितना आया है, 45 डिग्री। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से आपने निकाल लिया कि आपका एंगल सी डी बी का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री, और ए डी बी का होगा 60 डिग्री। बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इन फिगर 13.35 ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट पी, प्रूव दैट ए डी इज इक्वल टू डी पी, पी सी इज इक्वल टू बी सी एंड डी सी इज इक्वल टू 2AD। तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर आपको कुछ कुछ चीजें आपको गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है? एंगल ए का वैल्यू आपको गिवन है 60 डिग्री। ओके, अब देखिए यहां पर बाइसेक्टर्स आपको बोले गए हैं कि एंगल ए है और एंगल बी है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये एंगल इसके बराबर होगा। टोटल एंगल आपका 60 डिग्री है, तो ये आपका 30 डिग्री होगा और ये भी आपका 30 डिग्री होगा। ओके, इसके बाद आपको बोला गया है मीट एट पी, यानी कि दोनों एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए और एंगल बी, ये मिलते हैं पी पॉइंट पर। इसके बाद आपको प्रूव करना है यहां पर कुछ साइड्स हैं, ए डी इज इक्वल टू डी पी, पी सी इज इक्वल टू बी सी एंड डी सी इज इक्वल टू 2AD। तो देखिए जहां भी आपकी साइड्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, इक्वल प्रूव करना है, तो कहीं ना कहीं आपके एंगल्स भी इन्वॉल्व होंगे। हमने एक रूल पढ़ा था, वो रूल क्या था, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर आपके अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी आपकी बराबर हो जाती हैं। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, और उसी कंसेप्ट को आपको यहां पर अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इनको अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये आपका है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। यानी कि अगर एंगल ए प्लस एंगल बी मैं कर दूं तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यानी कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, ठीक है, कितना होगा, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसे होगा क्या, एंगल बी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं 60 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट मीन्स 120 डिग्री। ओके, तो ये आपके पास निकल के आ चुका है 120 डिग्री। ठीक है, टोटल वैल्यू होगा 120 डिग्री, लेकिन आपका जो पी बी है यानी कि एंगल बी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि इस एंगल को 120 को ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री, इस एंगल का वैल्यू भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। देखिए आप जानते हैं कि ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो डी सी जो है वो ए बी के पैरेलल होगा, और बीच में जो भी लाइन है वो आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, हम ये वाला केस लेते हैं सबसे पहले कि ए पी जो है वो आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, और डी सी पैरेलल है ए बी के। तो इस केस में ये एंगल
इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये बनते हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ओके। अब देखिए, आपके पास एक ट्रायंगल है ADP, इसके अंदर ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, ओके। और ट्रायंगल के अंदर जैसे ही आपके पास दो इक्वल एंगल्स आ जाते हैं तो आप बोल सकते हो अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी। अपोजिट साइड्स कौन कौन सी होंगी? AD इज इक्वल टू, देखिए आपसे पूछा था AD इज इक्वल टू DP, तो आपने इस बात को यहीं पर प्रूव कर दिया। इन द सेम मैनर आपको यही रूल यहां पर अप्लाई करना है। अब लेते हैं कि PB आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ओके। अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों यहां पर भी आपका एक ट्रायंगल है, देखिए PCB, ये आपका ट्रायंगल है और दो एंगल आपके 60 डिग्री के हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। ये जो एंगल है आपका, ये भी कितना है? 60 डिग्री है। तो दो एंगल्स जैसे ही आपके बराबर होते हैं तो अपोजिट साइड्स भी बराबर हो जाएंगी। कौन कौन सी? देखिए यही तो आपसे पूछा था, PC इज इक्वल टू BC, ये आपको प्रूव करना था, PC इज इक्वल टू BC होगा। तो आपने इन दोनों बातों को प्रूव कर दिया। अब बढ़ते हैं तीसरी बात की तरफ। इससे पहले हम इन सभी बातों को यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए आपके पास एंगल होगा PAB, ओके, ये बराबर होगा, देखिए PAB किसके बराबर था आपका? एंगल APD, है ना। यहाँ पर आपने यूज किया है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है AIA, इसका मतलब है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद आपको APD एंगल में आपको रूल अप्लाई करना है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि आपका जो AD है वो DP के बराबर होगा, है ना, क्योंकि आपके दो एंगल्स बराबर हैं, ठीक है। ये हमने लिया है ट्रायंगल APD, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है APD की। अगर हम बात करें ट्रायंगल BCP की, तो यहां पर आप लिखेंगे एंगल PBA किसके बराबर होगा? देखिए PBA आपका होगा BPC के, एंगल BPC कितना होगा? 60 डिग्री। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल BCP की, है ना, BCP की बात हो रही है। तो यहां पर दो आपके एंगल्स बराबर हैं 60 डिग्री ईच, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो PC है वो BC के बराबर होगा, ओके। देखिए इसी बात को हमको यहां पर प्रूव करना था, PC इज इक्वल टू, ठीक है, BC, ओके, या BC इज इक्वल टू PC लिखेंगे, बात एक ही है। इसके बाद लास्ट में आपको प्रूव करना है DC इज इक्वल टू 2AD, तो चलिए इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, DC इज इक्वल टू 2AD, इसको आपको प्रूव करना है। तो हम शुरुआत करेंगे जो आपका DC लाइन है, ठीक है, इससे ही शुरुआत करेंगे, ओके। तो DC को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए DP प्लस PC लिख सकते हैं, ओके, DP प्लस PC आप लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद आपको मालूम है कि जो आपका DP है वो AD के बराबर है, ओके, तो आप DP की जगह क्या लिखेंगे? AD लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है, ओके, AD आप लिख सकते हो। इसके बाद देखिए PC जो है, यहां पर देखिए PC किसके बराबर है? BC के बराबर है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं BC, ओके। इसके बाद बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब BC जो है वो AD के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, मेरी बात आई समझ में? हमको यहां पर 2 इंटू AD करना है या फिर 2AD, ओके, तो यहां पर AD, एक AD तो ऑलरेडी है, अब दूसरा AD लाने के लिए आपको BC को AD में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें मालूम है कि BC जो है वो AD के ऑलरेडी बराबर है, क्योंकि ये ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, ओके, तो आप यहां पर लिख दोगे AD प्लस, अब BC को आप क्या लिखोगे? AD, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2AD। क्या इसमें कुछ दिक्कत थी? कितना आसान था,
आपको सिर्फ कंसेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए।